तो आज हम बात कर रहे हैं पिवट। आप एडवांस सेक्शन के अंदर में हम बात करेंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो आपके सामने मेरा एक भी डेटा दिख रहा है, तो मैंने एक समरी तैयार की है मान लीजिए, और इस समरी को तैयार करके हमने अपने बॉस को मुझे भेजना है। तो प्रॉब्लम ये है कि बॉस को इन्होंने बताया कि मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि पूजा ने जनवरी महीने में टोटल कितनी क्वांटिटी या कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। जी, पूजा को, मोहन को, कविता को, इन सबको हर महीने एक टारगेट दिया गया है। जी सर। तो बस आप मुझे ये रिपोर्ट बताओ कि किसने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया हुआ। ठीक सर। तो मान लीजिए सबों का जो टारगेट है वो टारगेट 70 इन्वर्सल है फिलहाल जी। टारगेट 70 है। अब मुझे 70 के बिहाफ पे बाकी सबका परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करके कहीं और रखेंगे या फिर दोनों में डिवाइड वगैरह करेंगे? हाँ जी। तो मुझे इसी डेटा को इसको इसके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, मतलब कि हर नंबर को 19 को डिवाइड कर देना है हमें 70 से, इस तरह से। जी सर। तो ये चीज़ें मैनुअल करेंगे, टाइम लगेगा, और तरीके से भी टाइम लग सकता है, लेकिन आप जनरली बस इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे डिवाइड को सेलेक्ट कर लिया। पेस्ट स्पेशल में हमने किसको सेलेक्ट कर लिया? डिवाइड। और जैसे हमने ओके किया, ओके करते ही देखिए सारा नंबर को 70 से डिवाइड कर दिया, और इस पर जब परसेंटेज लगाएंगे तो हमारा परसेंटेज कन्वर्ट हो गया। जो हम चाहते हैं वो जनरली हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। जी सर। लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिवर्सल था, मतलब कि सबको 70 टारगेट दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि हर महीने हर किसी का टारगेट अलग अलग हो। हर महीने हर किसी का टारगेट अलग अलग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टारगेट, तो मैं यहाँ पे टारगेट का सीन बना लेता। अब ये टारगेट हमारा बन गया। अब मुझे क्या करना है, 19 को 74 से, 67 को 37 से, 32 को 88 से, उसके बाद 48 को आपका 85 से, ऐसे 1 by 1 डिवाइड करना है। हाँ जी। तो याद रखिए कि आप कॉलन का और रो का सीक्वेंस सेम रखिए, उसके बाद पूरी डेटा को हम कॉपी करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम करेंगे डिवाइड। तो हर नंबर उसके सिक्वेंसली टारगेट से डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। मैं इस पे परसेंटेज भी लगाऊंगा, ये पूरा का पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी सर। अगर ये डाटा अपन सामने की बजाय अगर नीचे रखते तो सर नहीं हो पाता? उससे मतलब नहीं है, बस सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक। मतलब कि सिर्फ पहले पूजा है फिर मोहन है, तो पूजा का फिर मोहन का है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक। डुप्लीकेट। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास कुछ फिगर से है, मान लीजिए कुछ सेल्स के फिगर है, और मुझे इन फिगर होता है ना कभी कभी कि हमारे पास कोई डेटा आता है, हम उनको कोई सी क्रॉस चेक करने के लिए दिया जाता है कि भाई क्रॉस चेक कर लीजिए आप। ठीक है। तो हम क्रॉस चेक करते हैं, उसके सामने उसकी जो करेक्ट वैल्यू है लिख देते हैं, अगर कहीं पे एरर होता है तो, जैसे कि एग्जांपल कि 63 नहीं यहाँ पे 36 होना चाहिए था, 74 नहीं यहाँ पे 47 होना चाहिए था, ये सिर्फ 66 है, ये आपका 66 था, ये आपका 0 था। ठीक है ना जी। इस तरह से मैं चेंज, ऐसे मान लीजिए कि आपके कॉलम में हजारों रो है, आपके कॉलम में इस तरह से हजारों डेटा है, उसमें से आपने कुछ 100 डेटा ऐसा किया हुआ है। हाँ जी। तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को कॉपी करेंगे, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे
वैल्यूज वैल्यू नहीं सर, स्किप ब्लैंक, वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, तो रिप्लेस हो जाएगा ना। हाँ बहुत हमें सही सही पेस्ट बोल रहे ऐसा करना है कि जस्ट इसके सामने वैल्यू, क्योंकि 35 36 इक्वल है, इसको अगर मैं नॉर्मली पेस्ट करूंगा तो ब्लैंक से रिप्लेस कर देगा ना, हाँ रीड जी कर देगा ना सर। हाँ जी सर तो अभी हमने स्किप ब्लैंक कर दिया, तो सिर्फ उसी उसी वैल्यू को कॉपी पेस्ट करेगा जिसके सामने वैल्यू है, और जो स्किप सेल है वो नहीं करेगा, मतलब बुझे जो जो ब्लैंक सेल है उसको स्किप कर देगा। यस ओके समझ सर में आया? तो हाँ जी सर डाउट इसमें, तो नहीं सर कोई डाउट नहीं सर ये हमारा पेस्ट है जे स्किप ब्लैंक था। अब आता है ट्रांसपोज, जैसे कि आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तो कॉपी करके पेस्ट स्पेशल हम इसमें कर देते हैं, ट्रांसपोज इरा आपका ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है ट्रांसपोज, तो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ठीक है। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही इंफॉर्मेशन को दो अलग अलग सीट पे या दो अलग अलग फाइल पे दिखानी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब मान लीजिए डेट, आपने एक रिपोर्ट बनाई जो कि 5-7 शीट्स की है, तो हर शीट्स पे डेट होना चाहिए। अच्छा इमेजिन कीजिए विपिन जी कि जी आप न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, राइट? सर आपने न्यूज आज की छापी है, न्यूज करेंट है, गलती से डेट कल की डल गई है, तो क्या वो हाँ जी पेपर को भी कहेगा यार तुमने तक कल की पेपर भेज दी मुझे, ये हाँ तो रद्दी हो गया। जी सर मतलब एक डेट ना होने से आपका न्यूज पुराना हो गया। सेम उसी तरह से आपके इसमें भी यही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास कि बार बार एक ही चीज को चेंज करना होता है, उसके लिंक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जनवरी फरवरी ये जो डेटा है ना, यहाँ सेम सेम इस सीट पे दूसरी जगह पे सेम रिफ्लेक्ट करे, एक को चेंज करूँ तो अपने आप चेंज हो जाए। तो मैं जी इसको इक्वल करके क्लिक कर दिया और फिर इसको ड्रैग कर दिया, जी सर ठीक है ना। सर एक बार और सर रिपीट कीजिएगा सर प्लीज सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल ब्रेस करके स्टार्टिंग को सिलेक्ट कर लिया हाँ जी सर एंड रिप्लेस किया। अब इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों वे में ड्रैग कर दिया इस तरह से। जितना ट्रैक करेंगे उतना हो जाएगा डेटा ही आएगा ना, जब जरा करेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो गया ना ये जीरो हाँ हो जी जाएगा ठीक है ना। जी सर इससे फायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पे 74 के जगह पे 47 करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारी 47 वैल्यू रहा चेंज हो गई। हो गए? तो जी सर जी सर ये चीजें तो नॉर्मली इक्वल करने पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मान लीजिए कि मुझे पूरा डेटा लिंक नहीं करना है, हमें इस डेटा का कुछ कुछ पार्ट को लिंक करना है। मनोज जी सर जी गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें तो मैं आपको सुन पाऊंगा। तो यहां आप जिस कॉलम को लिंक करना चाहते हो कंट्रोल प्रेस करके अब उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर जी सर लीजिए, फिर कॉपी कीजिए, और जहां जरूरी कि सेम सीट पे या सेम फाइल पे होनी चाहिए, आप एक सीट से दूसरे सीट, एक फाइल से दूसरे फाइल, सेल टू सेल भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का सबसे लास्ट ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए लिंक, क्लिक कीजिएगा लिंक हो गया ठीक है। अब मैं जो भी चेंज करूंगा, मैं 68 करके एंटर मारा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये हमारी पेस्ट एज ए लिंक थी। अब हम बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर्स की। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब डैशबोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक डेटा को छोटे में से, मान लीजिए इसी डेटा को मुझे एक छोटे एरिया में रिफ्लेक्ट करना है अपने डैशबोर्ड पे, सर तो उस केस में क्या करते हैं, अपने डेटा को कॉपी करते हैं और इसके जहाँ पेस्ट करना हो वहाँ पर कर्सर ले जाके पेस्ट स्पेशल के लास्ट में यहाँ दिखेगा आपको
पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर, पिक्चर। तो इसी डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा या जैसा इसको करना चाहते हैं वैसा करके जहाँ एडजस्ट करना चाहे वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो, पूरा पूरा एक ग्राफिक्स की तरह ये आपका इंटरफेयर होता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये आपस में लिंक नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपका डेटा चेंज हुआ, आपकी वैल्यू चेंज हो गई, तो आपको दोबारा से इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। पिक्चर लिंक क्या है कि आपके डेटा के साथ कनेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए डेटा में कोई वैल्यू चेंज होता है, जैसे मैंने 80 को मैं यहाँ 800 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ 800 हो गया। जी सर, ये फॉर्मेट भी इसकी सिर्फ क्या बोलते हैं डेटा ही नहीं, इसकी फॉर्मेटिंग भी इसके साथ कनेक्टेड होती है। जैसे मान लीजिए हल्का ग्रे कलर कर दिया तो देखिए ग्रे कलर हो गया। जी सर, उसके बाद कल के डेट में मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज अपडेट करता हूँ, मैं नया वैल्यू डाल देता हूँ, इसमें तो नहीं आ रहा है। रीजन है कि जी जब सर, हमने कॉपी पेस्ट किया था तो 12 तक लिंक था ना, ऐसे भी इसमें क्लिक करोगे तो यार 12 तक का फॉर्मूला दिख रहा है ना, हाँ जी सर, इसको बढ़ा दीजिए 13 कर दीजिए, 13 आ जाएगा। ठीक सर, तो डैशबोर्ड पे इसका हम अच्छा खासा यूज करते हैं। आगे जब डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा तो इसमें हम आपको यूज करके दिखाएंगे। और ये सिर्फ एक्सेल टू एक्सेल ही कनेक्ट नहीं करता है, ये जो है आपका एक्सेल टू एक्सेस, सॉरी एक्सेल टू वर्ड, एक्सेल टू पावर पॉइंट जैसे चीजों पे भी कनेक्टिविटी करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने एक वर्ड में या पीपीटी में एक स्लाइड या एक डॉक्यूमेंट बना रखा जहाँ पे आपको इस टेबल की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप क्या करें वर्ड पे या पीपीटी पे इसको नॉर्मल कॉपी पेस्ट ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम करेंगे पेस्ट एज ए लिंक, एक्सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अब ये आपके एक्सेल फाइल से लिंक हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ या डेटा चेंज कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि आपका वर्ड में भी ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। हाँ, समटाइम चेंज नहीं होता है तो राइट क्लिक करके यहाँ अपडेट लिंक करना पड़ेगा। मनोज जी आप म्यूट है, अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। सर ये दोबारा बताएंगे ये वाला जो भी आपने बताया, हाँ मैं बता वर्ड पे आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करना है, आपको ठीक है एमएस वर्ड खोलना है, या एमएस वर्ड पे अगर ऑलरेडी खुला हुआ है तो उस पे चले जाइए, अगर आपने पावर पॉइंट पे ले जाना है तो पावर पॉइंट खोल लीजिए, आउटलुक पे भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा जी, ऑफिस के। तो यहाँ हम पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट के साइड में जो कॉर्नर में एरो का निशान होता है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेस्ट स्पेशल दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पेस्ट एज ए लिंक और एक्सेल वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, लिंक हो गया। सेम तरीका से हम करते हैं क्या पावर पॉइंट में भी, कि पावर पॉइंट में भी आपको करना है तो सेम पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक माइक्रोसॉफ्ट कोड एंड ओके। ठीक है मनोज जी, समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। अब ये जो हो गई हमारी चीज, अब आउटलुक में क्या लिंक करेंगे? ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ लोगों का कन्फ्यूजन क्या था, बोलते थे कि आउटलुक में हम लिंक कर देंगे ना तो हम आपको मेल कर देंगे तो मेरा यहाँ चेंज होगा तो आपका भी वहाँ चेंज हो जाएगा। नहीं सर, ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है सर, लिंक हमारे सिस्टम आपके सिस्टम लिंक थोड़ी है। हाँ जी सर, तो फिर क्या फायदा अगर मेल पे लिंक करके मेल सेंड कर दीजिए, मेरे पास सेंड आइटम चेंज होगा नहीं, आपका इनबॉक्स चेंज ही नहीं होगा, तो क्या फायदा है? चलिए इसका इसके लिए हम एक अपना रियल लाइफ का स्टोरी सुनाते हैं। मैं एक सेल्स टीम में था, सेल्स कोऑर्डिनेटर, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब 20-22 तारीख के बाद जब हमारा मंथ एंड शुरू होता था ना, तो हमारे जो सेल्स टीम हुआ करती थी उनको जो है मुझे हर आधे घंटे एक घंटे पे सेल्स का अपडेट देना होता था। जी सर,
तो सेल्स अपडेट में क्या पिवट टेबल लगा रखा था, से हमारा डेटा सॉफ्टवेयर से लिंक था, जैसे नई सेल होती थी डेटा अपडेट हो जाता था, पिवट टेबल में रिफ्रेश करते थे, पिवट टेबल हमारा अपडेट हो जाता था और फिर उसको कॉपी करके मेल बॉडी पे पेस्ट करके हम भेज देते थे। तो ये सब मुझे मैनुअल करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक टैम्पलेट मेल डिजाइन कर लिया। तो जैसे कि मुझे भेजना है आईपीपी दिल्ली, सीसी में किसको डालना है, सब्जेक्ट में डालना है, वो डाल दिया हमने जी सर। ठीक है, यहाँ पे डियर सर जो लिखते हैं आप वो लिख दीजिए, बिलो आर सेल्स अपडेट। और फिर यहाँ हम पेस्ट नहीं करते थे, पेस्ट स्पेशल करते थे और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक करते थे। उसके बाद थैंक्स गार्ड वगैरह होता था ना। अब मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो मुझे पेस्ट एज ए लिंक करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या सर? तो मैं पेस्ट नहीं करता था, इसको सेव करता था। सेव में मैं नीचे यहाँ टैम्पलेट सेलेक्ट करता और एक लोकेशन पे रखता था और सेल्स अपडेट या कुछ ऐसा जो देना है देके सेव कर देता था। अब मैं यहाँ से सेंड कर दूं, भेज दूं से या फिर क्लोज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? अब मुझे मेरा फाइल रेडी होगा। अब यहाँ देखिए सेल्स अपडेट नाम का यहाँ पे इस तरह का आ गया। मैं ये ओके करूँगा, मुझसे यस या नो पूछेगा। यस करूँगा तो मेरे पास पूरा मेल रेडी हुआ है। गया सर जी, मुझे जस्ट सेंड करना। कल के डेट में मेरा एक्सेल चेंज हो रहा है। मान लीजिए मैंने अपने एक्सेल की जो कलर है मैं कलर चेंज कर देता हूँ या डेटा चेंज करता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है। कर दिया। और नेक्स्ट टाइम मुझे बस सेल्स अपडेट पे क्लिक करना है, आउटलुक में एक यस नो का ऑप्शन आएगा, उस पर यस कर देना है। चेंज हो गया सर जी। सर सेंड कर देना। क्या मनोज जी, है ना काम की चीज? हाँ जी, तो मेरा 2cc सब चीज पूरा फिट है, डेटा फिट है। मुझे क्या करना है? जस्ट सेंड करना है। ये आउटलुक से ऐड होगा या जीमेल से भी हो सकता है? नहीं नहीं, आउटलुक से। जैसा कि विपिन जी ने बताया कि आपका, क्योंकि आउटलुक जो है ना सर, आपका तो वेब एप्लीकेशन है ना, सिस्टम एप्लीकेशन थोड़ी है। आपने क्रोम क्लोज कर दिया तो एक्सेल और क्रोम के बीच में क्या लिंकिंग तो बंद हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना सर। क्या? क्योंकि आप जब यूज करते हो जीमेल तो जीमेल जस्ट आपको जो क्रोम जो है जीमेल पर पहुंचाता है ना, जो जीमेल का सर्वर और आपका सिस्टम के बीच में लिंक थोड़ी तैयार करता है क्या? क्योंकि उनके और आपके बीच में कोई एड्रेस ही नहीं है ना जी सर। बट यहाँ तो एड्रेस है ना भाई, यहाँ आपके सामने आउटलुक में फाइल पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे है, एक एड्रेस है। तो पेस्ट एज ए लिंक का हम ऐसे करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के अंदर में हमने आपके सामने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्लिप बोर्ड आता है। क्लिप बोर्ड भी एक बहुत अच्छी चीज है, वो भी हम आपको बताते चलिए। अच्छा, आपके पास ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी आपके पास एक ही डेटा, सॉरी एक तरह का डेटा कई शीट पे होगा और उसको आप लोग एक के नीचे कंबाइन करते हुए कुलेट करते होंगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लोगों से डेटा मांगा तो 10 लोगों ने अलग अलग फाइल पे अलग अलग शीट पे आपको डेटा भेज दिया, लेकिन फिर आपको पिवट निकालनी है, कुछ समरी निकालनी है, टोटलिंग करना है, तो 200 का डेटा इकट्ठा करना होगा। क्या सर? जैसे 5 सीट का डेटा यहाँ पे आपका अलग अलग डेटा यहाँ पर है ना। हाँ जी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक सीट नंबर अलग सीट पे इन सबों का डेटा कॉपी करना। मतलब क्या करोगे? कॉपी करोगे, यहाँ आओगे पेस्ट करोगे, फिर सीट 2 पे जाओगे कॉपी करोगे, यहाँ आओगे पेस्ट करोगे, सीट 3 पे जाओगे कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, या मान लीजिए कहीं भी पीडीएफ से, इंटरनेट से, किसी अलग एप्लीकेशन से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एक तरीका है जिससे आपका 50% काम कम हो जाता है। आपको क्या करना है? क्लिप बोर्ड को ऑन कर देना है, पहले से डेटा उसको क्लियर कर दीजिए।
अब जो भी आप कॉपी करेंगे ना वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया। जी अब सर। आपको जस्ट आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा इससे एक और खासियत है कि अगर एक ही डेटा को दो बार कॉपी कर लेंगे ना तो अपने पास एक ही बार स्टोर रखता है, ठीक है ना, तो यार डुप्लीकेसी होने के भी चांसेस कम होते हैं। नहीं बट मैनुअल में डुप्लीकेसी हो सकता है, एक डेटा को दो बार पेस्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ काउंट भी आते आएगा कि आपने कितना कर लिया हुआ है, तो 24 कर सकते हैं कि उसको क्लियर करके फिर आपको एक से शुरू करना होगा। अब मुझे पेस्ट करना है तो यहीं पे आप पेस्ट ऑल कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है मेरे एक्सेल में, मैंने आप लोग देखिए ना पेस्ट ऑल करते पूरा पेस्ट हो जाएगा। जी सर मैं करके देखता हूँ। हो गया ना सर, हो गया, कुछ प्रॉब्लम था सर इसमें, हो गया सर। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह के आप कर सकते हैं क्लिपबोर्ड, राइट। जी अच्छा सर। पेज से जो पिक्चर जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं, तो लेकिन फॉर्मूला से लिंक